हेलो फ्रेंड्स, दीक्षा स्मार्ट एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम सिंप्लीफिकेशन का टाइप 4 लेकर के आए हैं, जो प्रतिशत पर आधारित होगा। दोस्तों बताना चाहूँगा कि परसेंटेज वाले क्वेश्चंस अक्सर बैंकिंग के एग्ज़ाम में तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे SBI क्लर्क का भी एग्ज़ाम होने वाला है, उसके पर्पज़ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। और इससे पूर्व की वीडियो मीन्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप सिंप्लीफिकेशन वाले प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बताना चाहूँगा कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। जैसे x प्रतिशत x की जगह यहाँ पर कोई संख्या भी हो सकती है। मैंने x प्रतिशत का मतलब समझाया है, तो x प्रतिशत का मतलब होता है x बटे 100। और दूसरा काम क्या करना है कि किसी संख्या जैसे a का x प्रतिशत निकालना हो दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, a × x/100। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इसी कंसेप्ट को लेकर हम बात करते हैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चनों के ऊपर, जो परीक्षा उपयोगी क्वेश्चंस होंगे, जो बहुत ही मुख्य होते हैं दोस्तों। जैसे पहला क्वेश्चन है, ओके फ्रेंड्स, जैसे 640 का 150% प्लस 40 बराबर क्वेश्चन मार्क का 120% प्लस 160। दोस्तों वो कहना चाह रहा है कि क्वेश्चंस मार्क्स की जगह क्वेश्चन मार्क्स का आंसर क्या होगा दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 640 का 150%, जैसा कि हमने सेकंड के अंतर्गत बताया है कि किसी संख्या का कितने परसेंट, 640 का 150% मतलब 150/100 हो जाएगा दोस्तों। 150/100 प्लस 40 बराबर क्वेश्चन मार्क का 120%। तो हम मान लेंगे कि क्वेश्चन मार्क की अगर एक्स है, जिसका एक्स का भी 120% क्या हो जाएगा, x × 120/100 प्लस 160 दोस्तों। चलिए इसको काट लेते हैं, 1 0 2 0 1 0 2 0, यहाँ पर भी इसको काट लेते हैं, 1 0 से 0 कटा दोस्तों। तो ये हो जाएगा 15 चौक गुणा कर लेते हैं, 15 चौका 60, 6 बचे 15 छक्के 90, और 15 चौका 60, 6 बचे 15 छक्के 90, 90 6 96 दोस्तों, यानी 960 प्लस 40 इज इक्वल टू दोस्तों 12 में 10 का भाग लगाएंगे तो 1.2x प्लस 160, ये कितना हो गया 1000 माइनस 160 इक्वल टू 1.2x इम्प्लाइज डेट 1.2x इज इक्वल टू हो जाएगा 160, 1000 में से 160 को लेस कर देंगे दोस्तों, तो ये आएगा 840 दोस्तों। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 840 अपॉन 1.2। दशमलव के बाद एक अंक है दोस्तों, तो इसलिए 10 का ऊपर 10 का नीचे गुणा कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 8400/12। ओके, अब इसको काट लेते हैं, 12 × 7 = 84, यानी x का वैल्यू 700। इस प्रश्न का यही आंसर होगा दोस्तों। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चंस है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है दोस्तों। 240 का 25% प्लस 360 का x%, क्वेश्चन मार्क से आप x समझ लेंगे, बराबर 10 का 20%। चलिए 240 × 25/100 प्लस 360 × x/100
दोस्तों हमने क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स मान लिया है इज इक्वल टू 10 इंटू 20 बटे 100। ओके चलिए 125 चौका 100, 4 से काट लेते हैं, 4 छः 24, 60 बार कट गया, तो इसकी जगह आ गया 60 प्लस एक जीरो से जीरो कट जाएगा, 10 का भाग लाएंगे तो 3.6x इज इक्वल टू एक जीरो टू जीरो ये तो आ जाएगा 2 दोस्तों। चलिए 3.6x इज इक्वल टू 60 में से 2 गया तो 58 बचा एंड एक्स इक्वल टू आएगा 58y 3.6। 10 अंक के बाद एक अंक पुनः 10 का ऊपर नीचे गुणा तो ये हो जाएगा 580/36। चलिए दोस्तों इसको काट लेते हैं, 4 से काट लेते हैं, 4 एकम 4, 1 चार चौक 16, 2 बचे 4 पंजे 20, इसको 4 से 4 अठे 32, 4 नेम 36, 9 एकम 9, 5 9 पंजे 45, 9 छः 54, यानी कि 145/9। ठीक है, इसका आंसर होगा दोस्तों, यही हमारा आंसर है। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का आंसर 145/9 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि 4.5 का 40% प्लस 2/3 का क्वेश्चन मार्क है यहाँ इतना परसेंट बराबर 10 का 20%, तो इसको कर लेते हैं 4.5 इंटू 40/100 प्लस 2/3 इंटू एक्स परसेंट मान लेंगे तो एक्स 100 बराबर 10 गुणा 20/100 काट लेते हैं। यहाँ पर एक जीरो से जीरो कट गया, ठीक है दोस्तों, और ये हो जाएगा 4.5 का 4 में गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, 2 बचे 4 चौक 16, 2 18, यानी 18/10 हो जाएगा दोस्तों ये। ओके प्लस 2x/300/2, तो ये आ जाएगा दोस्तों 2xy/300/2 माइनस ये हो जाएगा 2 9 18 2 5 10, यानी 9/5 आ जाएगा दोस्तों। चलिए 2x/300 = 5 × 10, 10 में से 9 गया तो 1 1/5, 5 से काट लेंगे, 5 × 30 60 बार कट गया, 2 से ये 30 बार कट गया, तो दोस्तों यहाँ x का वैल्यू 30 आ जाएगा। ओके यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2000 के 5% का 5% क्या होगा दोस्तों। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी करेंगे कि 2000 के 5% मतलब 5/100 दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया, इतना आ गया दोस्तों का 5% का 5%, फिर इसका 5% निकाल देंगे फ्रेंड्स तो यह आ जाएगा 2000 × 5/100 × 5/100, यानी 1 2 3 1 2 3, ठीक है फ्रेंड्स, और 10 से 5 1 5, 5 2 10, 2 से ये कट गया तो हमारा आंसर आएगा इसका 5। इस क्वेश्चन का आंसर 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने प्रश्न पर आधारित कुछ क्वेश्चंस किए थे जो SBI क्लर्क एग्जाम के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों और बहुत ही आसान हैं, इसलिए इनको ध्यान रखना। और यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को प्लीज़ शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।